माइनक्राफ्ट के जो आयरन गोलम है उनको विलेजर्स नहीं बनाते हैं। आयरन गोलम किससे इंस्पायर्ड है, इन सभी के बारे में मैंने आपको पिछले शॉर्ट में बताया था। बट सवाल ये है कि आयरन गोलम को एक्चुअली में बनाता कौन है एंड वो स्पॉन कहाँ से होते हैं। माइनक्राफ्ट का पूरा गेम ही कैसल इन द स्काई एनीमे से इंस्पायर्ड है एंड वहाँ के जो लोग थे वो काफी वक्त से आगे चल रहे होते हैं। वो काफी सारे इन्वेंशन करने के बाद अपने प्रोटेक्शन के लिए एक रोबोट बनाते जो रहते तो हमेशा इनएक्टिव ही है, बट जैसे ही वहाँ के लोगों को उनकी जरूरत पड़ती है वो अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। सिमिलरली माइनक्राफ्ट में विलेजेस से पहले एंशिएंट बिल्डर्स रहा करते थे जिन्होंने काफी सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए एंड अपने प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने अपने हर एरिया के नीचे आयरन गोलेम को बनाया जो हमेशा रहते तो इनएक्टिव ही है, पर जैसे ही वहाँ के लोगों को उनकी जरूरत पड़ती वो अपने आप एक्टिव हो जाते थे। फिर ये एंशिएंट बिल्डर्स का एक्सटिंक्शन कैसे हुआ।